साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक एनसीईआरटी केमिस्ट्री फॉर क्लास 7। इसमें हम लोगों ने एनुअल फाइबर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, है ना, जिसमें हम लोगों ने ऊल यील्ड एनिमल के बारे में जाना था। और हम लोग ने साथ ही ये भी जाना था कि हमारे देश में कितने क्वालिटी के सीप्स जो है वो पाले जाते हैं और कहाँ कहाँ पाले जाते हैं। आज कुछ स्पेशल हम लोग इसमें जानने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं कि प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल कैसे होता है, यानी कि आपके फाइबर से ऊल जो ऊन जो आता है, जो घरों में स्वेटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये ऊन कैसे तैयार किया जाता है। द ऊल विच इज यूज फॉर निटिंग स्वेटर और वीविंग शॉल इज फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो अब हम जानेंगे कि जो घरों में स्वेटर बनाने के लिए जो ऊन आता है, या आपके शॉल बनाने के लिए, शॉल बिनने के लिए जो ऊन आता है, वो किन किन स्टेपों से बनता है। तो सबसे पहले स्टेप वन है, द फ्लीस ऑफ सीप अलॉन्ग विथ अ थीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड बाय रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, जो कि फिगर आपके 3.8 में ये प्रोसेस दिखाया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीयरिंग, यानी सबसे पहले तो सीप जो होती है, सीप का सेविंग किया जाएगा। सेविंग करके उसके शरीर के बाल को अलग किया जाता है, जिसको सीयरिंग कहते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज टू सेव ऑफ हेयर, जिससे आप देखते हैं कि बार्बर भैया जो रहते हैं वो सेविंग करते हैं और सेविंग करके हम लोग का दाढ़ी बनाते हैं। उसी तरह से एक मशीन आती है, ट्यूमर आता है जिसे काटा जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, गर्मी के सीजन में ही ये काम कर लेता है। दिस अनएबल सीप टू सर्वाइव विदाउट दिस प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, ये जो शरीर का बाल है यह उसको वेदर से भी बचाता है, ठंड से बचाता है, इसलिए ऐसा करना होता है। द हेयर प्रोवाइड उलन फाइबर, हेयर से ही उलन फाइबर प्राप्त होता है। उलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन उलन यार्न, तो उसके बाद अब उलन यार्न बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट वैन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर सेव हिज बियर्ड। शेयरिंग से कोई सीप को नुकसान नहीं होता है। जैसे हम लोग अपने बाल बनाते हैं, या पिताजी आपके दाढ़ी बनाते हैं। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, जो ऊपर का जो बाल होता है वह मरा हुआ होता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द सीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, तो एक बार बाल निकाल देने के बाद से फिर से निकल जाती है। तो फिगर आप देख लीजिए किस तरह से आपका यह कार्य किया जाता है, ठीक है। 3.8 फिगर है, ठीक है, यहाँ पे नीचे साइड बना होगा। देखिए ये मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये दिखा रहा है, ठीक है। ये ट्यूमर का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन से भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टेप टू है, द शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डर्ट डस्ट डर्ट, दिस कॉल्ड स्कोरिंग। नाउडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, जो कि फिगर 3.8 के बी और सी में दिखाया है। ये देखिए इससे धोया जाता है, स्कोरिंग किया जाता है। इसमें डस्ट और ग्रीस होता है जिसको साफ करने के लिए इसकी धुलाई होती है, सफाई होती है, ठीक है। चलिए बी में भी और सी में भी, बी में दिखा रहा है, ठीक है, और सी में स्कोरिंग मशीन, ये मशीन से कार्य किया जाता है। देखिए धोने का काम हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से इसको धोया जाता है। अब देखिए स्टेप थ्री, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो वही क्या है कि नर्म है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, उससे हर एक फाइबर का छटाई होती है, इसी को सॉर्टिंग कहते हैं। फिर स्टेप आपके फोर में, द स्मॉल फॉरी फ्लोरी फूफी फाइबर कॉल्ड ब्यूर, ठीक है, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम ब्यूर्स
व्यूअर्स विच sometime appear on your sweater. These fibers are scored again and dyed. This is the wool ready to drawn into fiber. तो अब क्या कहता है, जो small fluffy fiber होते हैं जिनको व्यूर्स कहते हैं उनको picked out कर लेते हैं हेयर से, और सम व्यूर्स जो कि आपके appear to be your sweater, कुछ sweater पर दिखाई भी देते हैं नरम नरम रेसे जैसा, ठीक है. दिस फाइबर इज स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड, इसको फिर से स्कॉर्ड किया जाता है, फिर सुखाया जाता है और अब इसके ऊल बनने शुरू होंगे, ठीक है. स्टेप फाइव, द फाइबर कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ सॉप सीप एंड गॉट इज ब्लैक ब्राउन और वाइट. तो अब क्या है कि मनपसंद रंग के अनुसार इसको कलर भी किया जाता है, जबकि नेचुरल कलर जो होता है भेड़ या बकरी के का होता है ब्लैक ब्राउन या वाइट होता है, ठीक है. स्टेप्स सिक्स है, द फाइबर आर स्ट्रेंथन कॉम्ब्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, जो कि फिगर में आपको दिखा रहा होगा. देखिए ऐसे ऐसे लपेटा जा रहा, रोलिंग हो रही है, ठीक है. द फाइबर आर स्ट्रेंथन, तब इसके आपके धागे जैसे तैयार किया जाता है, उसको कम्ब्ड किया जाता है, उसको झाड़ा जाता है, उसके बाद से उसको रोल करना शुरू किया जाता है. द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू ऊल फ्रॉम स्वेटर, लंबे लंबे जो आपके फाइबर छोड़ दिए थे उसके ऊल और स्वेटर तैयार होते हैं. एंड स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ्स, और इसको स्पन कर दिया जाता है और इसकी बिनाई होती है और कपड़े तैयार कर लिए जाते हैं. देखिए इसका शॉर्टकट मेथड दिया है. द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू ऊल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बोर्स, डाइंग एंड रोलिंग. रोलिंग पे लास्ट हो जाता है. अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई, ऑक्यूपेशन हैजार्ड, मैंने इसमें कुछ आपके हानि भी पहुँचती है. वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मैनी पीपल इन आवर कंट्री. बहुत सारे लोग जो हैं वह पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन बट शॉर्टर जॉब्स इज रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम. लापरवाही के चलते, फैक्ट्री के मालिक के लापरवाही के चलते बैक्टीरियम जो होता है उससे कुछ हेल्थ हैजार्ड, मैंने कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. ये आपके एंथ्रैक्स है विच कॉज ए फैटल डिजीज, एक जानलेवा ब्लड डिजीज हो जाता है, शॉर्टर डिजीज जिसको बोलते हैं. सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशन हैजार्ड. इस तरह का जो आपका बीमारी जो व्यवसाय करने के चलते होता है उसको हम लोग कहते हैं रिस्की, जो जॉब करने से आपका प्रॉब्लम होता है, जो बीमारी होती है उसको ऑक्यूपेशन हैजार्ड कहते हैं, ठीक है. अब अगला जो वीडियो आपका बनेगा है ना, चलिए एक छोटी एक्टिविटी है 3.4, डिबेट अमॉन्ग योर क्लासमेट वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन टू रेयर सिप एंड कप ऑफ द हेयर फॉर गेटिंग ऊल. तो ये आपको डिबेट करना है कि ये सही है कि ऊल को, मैंने ऊन के लिए सिप या गोट को पाला जाता है और उसके बाल को निकाल दिया जाता है, या फिर उनको चॉप कर दिया जाता है उनके हेयर के लिए, ठीक है. तो ये आपको डिबेट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है. और इसको आप अपने मेरा जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज सकते हैं, मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं. चलिए अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वह सिल्क का बनेगा, ठीक है. आज की वीडियो में इतना ही. इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर नहीं करना है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.